हे गाइस, तो चलो आज बनाते हैं टेस्टी यम्मी दाल। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। मैं यहाँ सेसमे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे बे लीफ और ऑनियन चॉप्ड। ऑनियन फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए ताकि फ्लेवर हट के आए। इसे 2 से 3 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली चॉप्ड, और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। प्याज अच्छे से पक चुकी है तो इसी स्टेज में डालेंगे टमाटर चॉप्ड और इसे भी कुक करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीबन 2 से 3 मिनट और पकाना होगा। तो देखिए टमाटर एकदम अच्छे से पक चुकी है। इस स्टेज में डालेंगे सोक्ड दाल। तो ये दाल मैंने करीबन 3 से 4 घंटे पहले ही सोक करके रख लिया था साइड में, तो वही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। दाल को अच्छे से मिक्स कर लें मसाला में और करीबन 4 कप पानी डालें, और इसमें आपको 3 से 4 सीटी आने तक पकाना होगा जब तक आपका दाल अच्छे से पक नहीं जाता। तो देखिए 3 सीटी तक मैंने पकाया था और दाल अच्छे से पक चुका है। तो चलिए साइड रख लेते हैं और तड़का रेडी करते हैं। तो पैन में डालेंगे तेल, ड्राई रेड चिली, जीरा, मस्टर्ड, रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला, थोड़ा सा करी लीव्स, और बस इसे 2 से 3 सेकंड के लिए पका लेंगे। जैसे ही सब चटकने लगेगा तो हम डालेंगे हींग। और चलो अब जो कुक्ड दाल था हमारा उसे हम पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपको इसमें डालना है फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो देखा आपने, झटपट से बन गई बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी दाल की। तो वीडियो कैसी लगी?